हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थानी ब्लॉगर नरेंद्र रावत में। कैसे हैं आप सभी लोग, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और आज का जो ब्लॉग, इसमें मैं आपको टूर करने वाला हूं, हमारे अजमेर की जो धान मंडी है उसका टूर करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते सीधे आपको वहीं मिलेंगे हम, अजमेर की जो धान मंडी है तबीजी में, वहां पर। ठीक है, तो चलिए। और यहां पर दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं जो धान मंडी है अजमेर की कृषि उपज मंडी, उसमें पहुंच चुके हैं। और यहां पर देखिए एक जो महिला है वो गेहूं को साफ कर रही है, देखिए यहाँ पर। और फिर ये साफ कर करके फिर कट्टे भरते हैं, फिर उनको मतलब बेचते हैं। तो यहाँ पर अभी हम हमेशा जहाँ से ले जाते हैं वहीं पर आ चुके हैं। ये देखिए इतना बड़ा गोदाम है, इसमें ठेठ तक, ये देखिए ऊपर तक जो है गेहूं रख रखे हैं कट्टों में भर भर के। और गेहूँ का जो भाव है बहुत ही तेज़ है भाई, सच बता रहा हूँ, बहुत महंगे हो चुके हैं गेहूँ। मैं आपको बताऊँगा अभी क्या भाव हम लेके आए थे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कितने मतलब उसमें भरे हुए गोडाउन में पूरे में। यहाँ पर मम्मी और अभी हम गेहूँ देख ही रहे हैं कि भाई आज कौन से लेने हैं हमें गेहूँ। तो गेहूँ हमारे नहीं होते हैं यहाँ पर, होते थे लोगों के, पर हमारे पानी नहीं है इस कारण। और यहाँ पर ये देखिए ये है सेठ जी जो दिखा रहे हैं सबको गेहूँ, और हम मम्मी को भी दिए थे हाथ में ये बहुत सारे गेहूँ, जो अभी हम देख ही रहे कि ये कौन से लें। ये अलग अलग भाव के थे, तो सबसे बढ़िया वाले जो गेहूँ हमने लिए थे। और हाँ महंगे हैं पर अच्छे हैं, देख मैं दिखाऊंगा आपको, ये वाले लिए थे हमने। और यहाँ पर ये देखिए अभी हम विचार विमर्श कर रहे हैं मम्मी और हम दोनों की, भाई कौन से लें कौन से नहीं लें। और यहाँ पर देखिए ये कट्टे रख रखे हैं बहुत ही बड़े बड़े। और उसके बाद जो भी पूछे थे हमने जो, तो भाई बहुत महंगे 2800 रुपये क्विंटल जो है जो हैं। और गेहूँ भी अलग अलग रेंज के थे। तो आज हम आए थे यहाँ पर गेहूँ लेने के लिए, बहुत ही महंगे हैं गेहूँ, 2700, 2600, 2600, बहुत भयंकर महंगाई हो चुकी है गेहूँ की। और यहाँ पर दोस्तों देखिए फिर हमने फाइनल कर लिया था कि हमें कौन से गेहूँ लेने हैं। हम जो दूसरा गोडाउन थे वहाँ पर आ गए थे, वहाँ पर तो देख लेते हमने, फिर यहाँ पर आ गए थे, यहाँ पर बाहर ही पड़े थे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर चने वगैरह भी पड़े थे, हमने वो भी देखे थे, चने जो बाजरा और सब बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ पर सब चीज़ें बिकती है। मैंने सोचा गेहूँ बिकते हैं यहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर देखिए ऐसे भर भर के जो ट्रक बाहर से आते हैं, ये देखिए ये ट्रक आया हुआ है। और भी बहुत सारे जो ट्रक हैं वो यहाँ पर अभी भर रहे हैं, मतलब भर के आ चुके हैं जो खाली हो रहे हैं। और यहाँ फिर यहाँ से फिर जो माल जाता है पूरे अजमेर में, यहाँ पर जो टेम्पो वगैरह और पिकअप वगैरह उसमें ले जाते हैं। ये देखिए बाहर से आए हुए ट्रक हैं जो यहाँ पर खाली हो रहे हैं, और ये पिकअप ये मतलब वापस ले रहे हैं इसको भरने के लिए यहाँ पर। और हमने भी ले लिए गेहूँ। तो ये हमारा जो टेम्पो भर रहा है, लोड हो रहा है, ये देखिए ये भैया जो भर रहे हैं गेहूँ को यहाँ पर, ये देखिए। और उधर और लिए थे तो ये गेहूँ सबसे अच्छे थे, शरबती वाले बहुत ही अच्छे और बिल्कुल साफ़ सुथरे और मतलब बिल्कुल अच्छे थे। यहाँ पर ये देखिए ये भर रहा है। तो ये गेहूँ लिए थे हमने, ये हमने ले लिए गेहूँ और भिजवा दिए हैं घर पर, और अभी हम जाएंगे गाड़ी पर। और यहाँ पर दोस्तों हम और भी कुछ शॉपिंग करते हुए आए थे मम्मी हम दोनों। तो यहाँ पर देखिए ये जो है मटके और जो कुंडे बोलते हैं खाना बनाने का, वो हैं कुछ हांडियाँ हैं सब्जी बनाने की, वो हम देख रहे थे, मम्मी लेना चाहती थी तो हमारे घर पर है, पर वो छोटी है, छोटे मुँह वाली, तो मम्मी कहती बड़े मुँह वाली लेनी है से हांडी हमें सब्जी बनाने के लिए मिट्टी की, पर हमने यहाँ पसंद नहीं आई, फिर बीच में से हम लोग वापस आगे निकल गए थे। और यहाँ पर दोस्तों मैं जो रेलवे हॉस्पिटल है उसके पास खड़ा हूँ, और यहाँ पर मम्मी पीछे से देखिए खरबूजे लेने के लिए रुकी थी यहाँ पर, तो खरबूजे ले दी, ये देखिए बहुत ही बहुत ज़्यादा आ गए खरबूजे, भी महंगे हैं 50 रुपये किलो, फिर भी हमने लिए थे दो। और जैसे ही दोस्तों हम घर के पास आए तो टेम्पो वाले भैया आगे ही खड़े थे घर के, अगर आ गए थे हमारे। उसके बाद देखिए ये जो है गेहूँ के जो टेम्पो से पूरा खाली करेंगे, और हम लोग अंदर चले गए थे फिर। और अभी हम गेहूँ लेके आ चुके हैं, और ये देखिए अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, टेम्परेचर जैसे 45-43 चल रहा है। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बेचारे कितना काम करना, सब कुछ इनको करना होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का व्लॉग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, सखम्मा करें।